हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर आपकी जो स्नैपशॉट्स बुक्स है उसमें से चैप्टर 3 रंगाज मैरिज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये कहानी राइटर जो है स्टोरी का मस्ती वेंकटेशा अयंगर, मस्ती वेंकटेशा अयंगर। अब आगे देखिए स्टोरी में क्या है। रंगा कहानी के विषय में यहाँ ही बताया गया, रंगा लेखकार का पुत्र है जो गांव के समूह में बिडले ही पैदा होते हैं, जो शहर में अपने अध्ययन को पूरा करने के लिए रह चुका है। जब वो बेंगलोर शहर से अपने गांव लौटा तो लोगों की भीड़ उसके घर के पास उसे देखने के लिए एकत्रित हो गई कि वो क्या वो बदल गया है या नहीं। शादी के बारे में उसके विचार अब अत्यंत भिन्न है या कि ये वास्तव में भिन्न है, इस बारे में यहाँ बताया गया है। क्योंकि उस गांव में कोई भी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो जब रंगा को बाहर भेजा जाता है पढ़ने के लिए बेंगलोर में, और वहां से वो पढ़ने के बाद जो गांव वापस आता है शहर से, तब उसको लोग देखने के लिए आते हैं। और उस समय किसी की मतलब शादी के बारे में डिस्कस जब चलता है, शादी के विषय में, मैरिज के बारे में, तब वो कुछ मतलब उसका जो विचार है वो वहाँ पे बोलते हैं, सबको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। परंतु वो जो विचार उसके दिमाग में है वास्तव में ऐसे है क्या, ये स्टोरी के माध्यम से हम लोग को पता चलेगा। देखिए आगे स्टोरी का, कहानी का जो शब्दार्थ है और हिंदी अनुवाद है वो हम बताएंगे आपको। When you see this title, some you may ask, Ranga's marriage? जबी ये लेशन का आप टाइटल को देखेंगे रंगाज मैरिज, तभी कोई भी मतलब इस शीर्षक को देखकर पूछेंगे क्या रंगाज मैरिज, रंगा मतलब एक लड़के का जो नाम है, क्या उसका शादी है। Why not? रंगनाथन भियाथा और रंगनाथन विजय। Well, yes, I know. I could have used some other mouth-filling one line, Jagannatha Vijaya or Girija Kalyaniya. But then, this is not about Jagannath victory of Girija's wedding. It's about our own Ranga's marriage and hence no fancy title. Hansahalli is our village. You must have heard of it, no? What a pity, but it is not your fault. There is no mention of it in any geography book. Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists and so make no mention of it. Our own people too forget about it. You know how it is, they are like a flock of sheep. One sheep walks into a pit. The rest blindly follow it. When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, you cannot expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? And so there is not even the shadow of our village on any map. अब आगे देखिए इसका क्या हिंदी अनुवाद है। जब आप यह शीर्षक देखे है ना रंगाज मैरिज, आप में से कुछ पूछ सकते हैं रंगा की शादी क्यों नहीं, रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजय। अच्छा हाँ, मैं जानता हूँ, मैं कुछ अन्य भारी भरकम शब्द जैसे कि जगन्नाथ विजय या गिरिजा कल्याण जैसे शब्द का प्रयोग कर सकता था, लेकिन तब यह बात जगन्नाथ विजय या गिरिजा की शादी के बारे में नहीं थी। यह हमारे स्वयं के रंगा की शादी के बारे में है, अतः कोई आकर्षक शीर्षक नहीं दे सकता। दूसरा होसाहाली हमारा गांव था, आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, नहीं? क्या दयनीय बात है, लेकिन यह आपका दोष नहीं है। किसी भी भूगोल की पुस्तक में इसका वर्णन नहीं है, मतलब किसी भी भूगोल की पुस्तक में होसाहली नाम की कोई गांव का वर्णन नहीं है। ये साहिब इंग्लैंड में अंग्रेजी में लिखते हैं,
शायद नहीं जानते हैं कि ऐसा स्थान मौजूद है और इसलिए इसका वर्णन नहीं करते। हमारे स्वयं के लोग भी इसके बारे में भूल जाते हैं। आप जानते हैं यह कैसे है? यह भेड़ों के समूह की तरह है। एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो बाकी की भेड़े भी उसी का अनुसरण करती है। इंग्लैंड के साहिब और हमारे अपने भूगोल ज्ञाता दोनों ने ही इसका जिक्र नहीं किया। आप बेचारे नक्शा नवीस से आशा नहीं कर सकते हैं कि वह इसे नक्शे में प्रदर्शित करे, क्या आप आशा कर सकते हैं? और इसलिए किसी नक्शे पर हमारे गांव की छाया भी नहीं है। सॉरी, आई स्टार्टेड सम हेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। इफ द स्टेट ऑफ मैसूर इट टू भरत इट टू भरतवर्ष व्हाट द स्वीट करीगंगा डाबू इट इज ए फेस्टिव मील दैट कोसाहली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द Karigaddu. What I have said is absolutely true. Believe me, I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. I am not the only one who speaks glowingly of Hosahali. We have a doctor in our place. His name is Ganda Bhatta. He agreed with me. He has been to quite a few places. No, not England. If anyone asks him whether he has been there, he says, no, Annaya, I have left that to you. Running around like a flea pestered dog is not for me. I have seen a few places in my time, though, as a matter of fact, he has seen many. Khed hai. मैंने कहीं और जगह की बात शुरू कर दी और तब अन्य दिशा में चला गया। यदि मैसूर राज्य का भारतवर्ष में वही स्थान है जो किसी तुहारी भोज में करी डाबू मतलब नारियल की मिठाई का है, तो होसाहली का मैसूर राज्य में वही स्थान है जो अंदर भरी जाने वाली सामग्री का करी डाबू मतलब नारियल की मिठाई में है। जो मैंने कहा वो पूरी तरह सच है, मेरा विश्वास करो। मैं आपके प्रश्नों करने पर एतराज नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपनी विचारधारा पर कायम रहूंगा। मैं ही एकमात्र ऐसा नहीं हूं जो प्रसन्नता के साथ होसाहली के बारे में कहता हूं। हमारे यहाँ पर एक डॉक्टर है, इसका नाम गुड्डा भट्ट है। वो मुझसे सहमत है। वो कुछ स्थानों पर रह चुका है, नहीं इंग्लैंड में नहीं। यदि कोई उससे पूछे कि क्या वो वहां रह चुका है, वो कहता है, नहीं अन्नाया, कन्नड़ भाषा में बड़ों के लिए एक सम्मान सूचक शब्द है अन्नाया। यह मैंने आपके लिए रख छोड़ा है। एक पिस्सू द्वारा सताए कुत्ते की तरह चारों ओर दौड़ना मेरे बस की बात नहीं। यद्यपि अपने समय में मैंने कुछ ही स्थान देखे हैं, सच बात तो यह है कि उसने बहुत से स्थान देखे हैं। वी है some mango trees in our village. Come visit us and I will give you a raw mango from one of them. So, not eat it, just take a bite. The sourness is sure to go straight to your brahmanda. I once took one such fruit home and a chutney was made out of it. All of us ate it. The cough we suffered from after that. It was when I went for the cough medicine that the doctor told me about the special quality of the fruit. Just as the mango is special, so is everything else around our village. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Its flowers are a feast of behold, get two leaves from the creeper. When you go to the pond for your bath, you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. So we'll say I am rambling.
It is always like that when the subject of our village comes up. But enough. If any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosahalli is and what things are like there. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? हमारे गांव में कुछ आम के पेड़ है, आओ हमारे यहाँ घूमो और मैं आपको उनमें से एक कच्चा आम दूंगा। इसे खाना मत, थोड़ा सा दांत से काटो। निश्चय पूर्वक इसका खट्टापन आपके मस्तिष्क में पहुंच जाएगा। मैं एक बार ऐसा फल घर ले गया और इसकी चटनी बनाई। हम सबने इसे खाया। इसके बाद हमें खांसी की बीमारी हो गई। इसके बाद मैं खांसी की दवा लेने गया, तब डॉक्टर ने मुझे फल की विशेषता के बारे में बतलाया। ठीक जिस तरह आम विशेष है, इसी प्रकार की बातें हमारे गांव के चारों ओर है। गांव के तालाब के शुद्ध पानी में बहुत सुंदर बेल उगी हुई है। इसके फूल देखने में आनंदमयी है। बेल के दो पत्ते लो, जब आप तालाब पर नहाने जाओ और आपको पत्तियां प्राप्त करने की कोई चिंता नहीं रहेगी, जिस पर आप दोपहर का खाना परोसेंगे। आप यूं कहेंगे कि मैं इधर उधर की हाँक रहा हूँ। हमेशा ऐसा ही होता है जब हमारे गांव का विषय आता है, लेकिन बहुत हो गया। यदि आप में से कोई हमारे यहाँ भ्रमण करना पसंद करे तो मुझे एक पत्र लिख दो। क्या आप यह बतलाने देंगे कि Hosahalli कहाँ है और यहाँ कैसी कैसी चीजें हैं? किसी स्थान को जानने का सबसे अच्छा तरीका है वहाँ भ्रमण करो। क्या आप सहमत नहीं? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. We did not have many people who knew English then. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. It is different now. There are many who know English. During the holidays, you come across them on every street talking in English. Those days, we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in Kannada. What has happened in this disgraceful, believe me. The other day, I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood. Rama Rao's son came out to pay for it. He asked the woman, "How much should I give you?" 4 pies, he said. The boy told her he did not have any change and asked her to come the next morning. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. I too did not know. Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what is meant. The priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. That was why Ranga's homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing, "The announcement, son has come." The boy who had gone to Bangalore for his studies is here, it seems. And come, Ranga is here. Let's so have a look. Attracted by the crowd, I too went and stood in the courtyard and asked, "Why have all these people come? There's no performing monkey here." जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह 10 वर्ष पहले घटी थी। तब हमारे बहुत से लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे। हमारे गांव का लेखाकार पहला व्यक्ति था जिसने अपने बेटे को अध्ययन के लिए बेंगलोर भेजने का पर्याप्त साहस दिखाया। आज बात भिन्न है। बहुत से लोग हैं जो अंग्रेजी जानते हैं। छुट्टियों के दिनों में आप अंग्रेजी में बात करते हुए प्रत्येक गली में उनके संपर्क में आ सकते हो। उन दिनों में हम अंग्रेजी नहीं बोलते थे और बात करते समय अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी नहीं करते थे, अपितु कन्नड़ में बात करते थे। जो कुछ भी होगा वो अपमानजनक है, मेरा विश्वास करो। दूसरे दिन मैं रामाराव के घर गया
जब उन्होंने लकड़ी का एक बड़ा बंडल खरीदा। रामाराव का बेटा भुगतान करने हेतु बाहर आया। उसने औरत से पूछा, मुझे इसका कितना पैसा चाहिए? 4 पैसा, उसने कहा। लड़के ने उससे कहा, उसके पास रेजगाड़ी नहीं है, और अगले दिन सुबह आने के लिए कहा। बेचारी औरत रेजगाड़ी के लिए अंग्रेजी शब्द को समझ नहीं पाई और बुलबुलाती चली गई। मैं भी नहीं जान पाया। बाद में जब मैं रंगा के घर गया और उससे पूछा इसका क्या अर्थ था, तब मैं समझा। हमारे गांव में एक दशक पहले अंग्रेजी भाषा की इस अमूल्य वस्तु का इतना प्रचार नहीं था। यही कारण था कि रंगा का घर आना एक महान घटना थी। लोग यूं कहते हुए उसके दरवाजे की सीढ़ियों पर दौड़े। लेखाकार का पुत्र आया है। जो लड़का बेंगलोर अध्ययन के लिए गया वो यहाँ है, ऐसा दिखाई देता है, और आओ रंगा यही है। हम जावे और एक झलक देखे। भीड़ से आकर्षित होकर मैं भी वहाँ गया और आंगन में खड़ा होकर पूछने लगा, यहाँ ये सब लोग क्यों आए हैं? यहाँ तो बंदर का खेल भी नहीं हो रहा है। तो ये पैरा स्टूडेंट्स यही खत्म होता है। अभी अगला वीडियो में हम नेक्स्ट पैरा डिस्कस करेंगे।